आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा एक पोएम के बारे में जिसका नाम है द गिफ्ट ऑफ इंडिया। तो आईएससी इंग्लिश के सिलेबस में पोएम है ये। इसका हम डीप में लाइन बाय लाइन एनालिसिस करेंगे और इसको समझेंगे कि किस चीज के ऊपर ये पोएम है। चलिए लेट्स बिगिन। तो ये पोएम लिखी है, पहले तो ऑथर के बारे में जान लेते हैं। ये पोईम लिखी है सरोजनी, नायडू जी ने ठीक है। तो सरोजनी नायडू जी, ये इनका बहुत बड़ा रोल है इंडिया के इंडिपेंडेंस में। हाँ, इंडिया के इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस में, फ्रीडम, के स्ट्रगल में इनका काफी बड़ा रोल है। तो काफी ग्रेट सोल थी ये, राइट इनको नायडू एंगल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी और एक पोएट भी थी। तो ये तो थोड़ा मैंने आपको ऑथर के बारे में बताया। थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं पोइम के बारे में, लाइन बाय लाइन। डिटेल में समझेंगे। पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लो, तब आपको ये पोइम समझ में आएगी। पोईम है क्या? ये पोईम जब लिखी गई थी उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर वन चल रहा था। वर्ल्ड वॉर ये चल रहा था 1915 के आसपास, उसकी बाद है, ठीक है। आज से ऑलमोस्ट 105 साल पहले। तो 1915 के टाइम की बात है जब ये पोइम का के अभी लिखी गई आसपास इसी टाइम पीरियड में। तो वर्ल्ड वर्ल्ड वॉर वॉर वन चल चला था और इंग्लैंड जो था, ठीक है, उसकी लड़ाई थी जर्मनी से, ये समझ लो मेनली, ठीक है, मोटा मोटा बता रहा हूँ आपको। तो अब इंग्लैंड ने इंडिया के ऊपर रूल कर रहा था उस टाइम पे। इंग्लैंड की लड़ाई हो रही थी वर्ल्ड वॉर वन में जर्मनी के खिलाफ, और आपको पता है कि इंग्लैंड इंडिया पे रूल कर रहा था। तो इंडिया से बहुत सारे जो सोल्जर्स हैं, इंडियन सोल्जर्स वो इंग्लैंड की साइड से लड़े थे, ठीक है। इंग्लैंड की साइड से लड़े थे जर्मनी से। कितने सोल्जर्स गए थे इंडिया से? 10 लाख, ठीक है, इससे भी ज्यादा थे। नंबर अप्रोक्सीमेट मैं बता बता रहा हूँ, 10 लाख इंडियन सोल्जर्स इंग्लैंड साइड से लड़े थे वॉर में, वर्ल्ड वॉर। वन में और वॉर चल रहा था। इसी बीच में पोईम लिखी गई है, बहुत सारे ये 10 लाख के आसपास लड़े इंडियन सोल्जर्स, बहुत सारे सोल्जर्स, सोल्जर्स ने हमारे इंडिया के अपनी लाइफ को भी सेक्रीफाइस किया इंग्लैंड के लिए, ठीक ठीक है। तो अब यहाँ पे है। ये जो पोइम लिखी है ऑथर ने, वो होमेज, होमेज मतलब एक रिस्पेक्ट पे करने के लिए इंडियन सोल्जर्स को जिन्होंने फाइट की थी वहां पे इंग्लैंड में और वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पे, और जिनको जिनकी बहुतों की डेथ भी हो गई थी, उन सबको एक रिस्पेक्ट और एक होमेज देने के लिए यहाँ पे ये पोएम लिखी है ऑथर ने, ठीक है। तो अब पोएम का मैंने आपको थोड़ा बैकग्राउंड समझाया, अब आपको समझ में आएगा। तो अब ये एक चीज और है इस पोएम में, ऑथर इंडिया को मदर इंडिया कह रही है, ठीक है, और एज एक तरीके से एज अ मदर इंडिया, इंडिया के बिहाफ पे समझ लो ऑथर पोइम लिख, तो ऑथर जो पोएट है इंडिया के बिहाफ पे पोएट ने पोइम लिखी है, ठीक है। तो एक तरीके से जो पोएम में आपको जो बातें सुनाई देंगी, जो लाइंस आएंगी वो एक तरीके से आप समझ लो, इंडिया की पुकार है, मदर इंडिया कह रही है, ठीक है, इंडिया की पुकार है। अब समझते हैं लाइन बाय लाइन। इज देयर ऑट यू नीड दैट माई हैंड्स विदहोल्ड रिच गिफ्ट्स और रेनमेंट और ग्रेन और गोल्ड। अब वो क्या कह रहे हैं पहली लाइन में, पोएट क्या कह रहा है कि क्या और भी कुछ है जो चाहिए? मैंने सब कुछ तो दे दिया, ठीक है, क्या ऐसी कोई चीज है जिसको मेरे हाथों ने रोका हुआ है? विदहोल्ड मतलब होता है रोकना। क्या ऐसी कोई चीज है जिसको मेरे हाथों ने रोका है? मैंने सब कुछ दे दिया है तुम्हें, ठीक है। एक तरीके से इंडिया बोल रहा है इंग्लैंड को, ठीक है, मैंने आपको बोला ना पोएट ने ये जो पोएम लिखी है ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया लिखी है। तो एक तरीके से इंडिया जो बोल रहा है किसको बोल रहा है? इंग्लैंड को, कि क्या ऐसी कोई चीज है जो मैंने तुम्हें नहीं दी, ठीक है, क्या ऐसी कोई चीज है जो मेरे हाथों ने रोका है तुम्हें देने से? तुम्हें सब कुछ दिया गया है, ठीक है, तुम्हें इंडिया ने, इंडियन इंग्लैंड को क्या क्या दिया? इंडियन इंग्लैंड को रेनमेंट मतलब क्लॉथ, ठीक है, कपड़ा दिया, ठीक है, ग्रेन दिया, ग्रेन मतलब जितना भी हमारे यहाँ, पे प्रोडक्शन होता है। देखो ठीक है, इंडिया में पंजाब हरियाणा है ना, तरीके से बहुत रिच एग्रीकल्चर में, तो वहां पे हमारे जितना भी अनाज उगता था, चावल उगता था, जो भी था ग्रेन हमारे यहाँ पे उगते थे। एग्रीकल्चर रिच लैंड रहा है, इंडिया की हिस्ट्री बहुत अच्छी है एग्रीकल्चर के पॉइंट व्यू से। तो इंडिया। इंडिया से इंग्लैंड ने क्लॉथ भी ले लिया, इंडिया से इंग्लैंड ने ग्रीन भी ले लिया और गोल्ड भी ले लिया। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि क्या अब क्या कमी है, सब कुछ तो दे दिया तुम्हें,
तुम्हें क्लॉथ भी दिया, तुम्हें खाने को रोटी भी दी, तुम्हें गोल्ड भी दिया, सब कुछ दिया हमारे इंडिया ने, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, आई हैव फ्लंग टू द ईस्ट एंड वेस्ट प्राइसलेस ट्रेजर्स टॉर्न फ्रॉम माय ब्रेस्ट। वो आप ये देखिए क्या मतलब है इसका, वो कह रहे हैं कि इसका मतलब ये है, ईस्ट टू वेस्ट मतलब जब लड़ाई हो रही थी वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पे, तो इंडिया के सोल्जर्स सब जगह गए थे, ठीक है, वेस्ट में भी गए थे और ईस्ट में भी गए थे, क्योंकि इंग्लैंड तो सब जगह लड़ाई कर रहा था, इंग्लैंड सब जगह लड़ाई कर रहा था, ईस्ट में भी वेस्ट में भी। तो कह रहे हैं कि हमारे जो सोल्जर्स हैं इंडिया के सब जगह गए, ईस्ट में भी गए वेस्ट में भी गए, ठीक है। प्राइसलेस ट्रेजर्स टॉर्न फ्रॉम माय ब्रेस्ट, ये क्यों क्यों बोला जा रहा है, मदर इंडिया कह रही है कि तुमने, इंग्लैंड ने, तुमने मेरे सन्स को, इंडियन सोल्जर्स कौन हुए, इंडियन सोल्जर्स मदर इंडिया के सन हुए ना, तुमने मेरे सन को, मेरे सन्स को मेरे से दूर किया है, जैसे एक माँ माँ बच्चे को कहाँ लगाती है, गले लगाती है, ठीक है, अपने चेस्ट के पास, ब्रेस्ट के पास रखती है, प्यार करती है। तो इस तरीके से जो मदर इंडिया, इंडिया के जो सोल्जर्स हैं वो इंडिया के सोल्जर्स मदर इंडिया के लिए सन हो गए, ठीक है। तो तुमने इंडियन सोल्जर्स को वेस्ट में भेज दिया, ईस्ट में भेज दिया, तो मतलब तुमने एक तरीके से मेरी छाती से मेरे बच्चों को जुदा किया है, ठीक है। यहाँ पे ये पोएट बोल रहा है इंग्लैंड को, ठीक है, इंग्लैंड को रेफर कर रहा है। एंड यील्डेड द सन्स ऑफ माय स्ट्रिकन वूम टू द ड्रम बीट्स ऑफ ड्यूटी द सेबर्स ऑफ डूम। और मेरे सन्स को, मतलब जो इंडियन सोल्जर था, तुमने कहाँ भेज दिया, तुमने भेज दिया ड्रम बीट्स ऑफ ड्यूटी, मतलब ड्रम बीट्स ऑफ ड्यूटी मतलब वही वॉर में भेज दिया तुमने, ठीक है, जहाँ पे बीट्स बजती रहती है ना, आपने देखा होगा ना जब वॉर होता है तो ड्रम बीट्स बजते थे, ठीक है, बड़े बड़े ड्रम बजाए जाते हैं इस तरीके से मोटिवेट करने के लिए, फाइट के लिए। तो बता रहे हैं कि तुमने वॉर में, मतलब इंडियन सोल्जर्स को वॉर में भेजा गया, ठीक है। और द सेबर्स ऑफ डूम, ऑब्वियसली वहां पे आपको पता है कि कितनी ब्रुटैलिटी होती है वॉर के टाइम पे, कितना खराब वॉयलेंस होता है और डेथ हो जाती है। तो मतलब वो यहाँ पे अब इस पूरे पैराग्राफ में अगर आप देखोगे, ये बता रहे हैं कि इंडिया ने इंग्लैंड को सब कुछ दिया, हमने अपने सोल्जर्स को ईस्ट में भेज दिया, हमने अपने सोल्जर्स को वेस्ट में भेज दिया, ठीक है, सब कुछ, मतलब मरने तक के लिए हमने अपने सोल्जर्स को भेजा इंग्लैंड तुम्हारे लिए, तो हमने किसी चीज में कमी नहीं छोड़ी है, ठीक है। तो ये पोइट कह रहा है पहले पैराग्राफ में। अब दूसरे पैराग्राफ पे आते हैं। गैदर लाइक पर्ल्स इन देयर एलियन ग्रेव्स, साइलेंट दे स्लीप बाय द पर्शियन वेव्स, स्कैटर्ड लाइक शेल्स ऑन एन इजिप्टियन लैंड्स। अब वो कह रहे हैं देखो भाई, अब जब सोल्जर्स वहां गए थे तो फाइट में बहुत बहुत सारे सोल्जर्स की वहीं पे डेथ हो गई थी, ठीक है। एलियन ग्रेव्स क्यों बोला गया, क्योंकि फॉरेन लैंड पे डेथ हो गई, वैसे मान लीजिए कहीं जर्मनी में डेथ हो गई, कहीं किसी इंग्लैंड में डेथ हो गई, तो इंडिया के बाहर डेथ हुई ना, तो उनके लिए तो फिर उनकी जो वहां कब्र बनी हो क्या हुई भाई, इंडियन सोल्जर को अगर इंग्लैंड में दफनाया जाएगा तो इंडियन सोल्जर्स के लिए तो एलियन ग्रेव हो गई ना वो, इसलिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं जो इंडियन सोल्जर्स हैं, मोती की तरह, मोती की तरह बाहर की कंट्री में जब उनकी डेथ हो गई तो उनको वहां दफनाया गया, तो मोती की तरह वो एलियन ग्रेव्स में, ठीक है। साइलेंट दे स्लीप बाय द पर्शियन वेव्स, स्कैटर्ड लाइक शेल्स ऑन इजिप्टियन। क्योंकि देखो वो बता रहे हैं पर्शियन वेव्स मतलब क्यों बोला जा रहा है, देखो उस टाइम पे ना एक ऑटोमन एम्पायर था, वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पे एक ऑटोमन एम्पायर था, तो वो पूरा जो एम्पायर था वहां तक इंग्लैंड लड़ रहा था, तो वहां पे भी गए हम, तो इसलिए पर्शियन वेव्स की बात कर रहे हैं। ऑटोमन एम्पायर वहां तक इंडियन सोल्जर्स गए, ठीक है, अब वहां पे गए तो वहां पे भी डेथ हुई उनकी फाइट में, वॉर में। फिर इजिप्टियन लैंड्स में भी गए, क्योंकि जो इंग्लैंड था वो नॉर्थ अफ्रीका में भी लड़ रहा था, तो इजिप्ट कहाँ है, नॉर्थ अफ्रीका में, ठीक है, तो वहां पे भी जब वॉर हो रहा था तो वहां पे भी गए, तो वहां पे जब वॉर हो रहा था तो वहां पे भी डेथ हुई, तो वहां पे भी उनकी ग्रेव्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वो बता रहा है कि हमारे कंट्री के जो इंडियन सोल्जर्स थे वो सब जगह गए हैं तुम्हारे लिए लड़ने के लिए, इंग्लैंड के लड़ने के लिए, ठीक है, ऑटोमन एम्पायर से भी लड़े, इजिप्ट से जाके भी लड़े, ऑब्वियसली वॉर होती है तो डेथ तो होती है सोल्जर्स की, तो वो बता रहे हैं वहां पे, तो जब वहां डेथ हुई तो वहां ग्रेव्स में वो लोग वहां पे हैं। दे लाई विद पेल ब्रोज एंड ब्रेव ब्रोकन हैंड्स, दे आर स्ट्रून विद लाइक ब्लॉसम मूव्ड अप बाय चांस ऑन द ब्लड ब्रो मेडोज ऑफ फ्लैंडर एंड फ्रांस। अब वो कह रहे हैं दे लाई विद मतलब जो उनकी ग्रेव्स है उनके अंदर वो कैसे हैं जो इंडियन सोल्जर्स हैं वहां पे, पेल ब्रोस मतलब एक एक पेलनेस है उनके अंदर, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप वॉर करने जाते हो तो वहां पे आपको खाली पेट भी रहना पड़ता है, आपको भूखे पेट भी रहना पड़ता है, तो शरीर कमजोर हो जाता है, ठीक है। और लेकिन फिर भी हमारे जो सोल्जर्स हैं बहादुर हैं और हाथ पैर, ऑब्वियसली वॉर करोगे आप लड़ने जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको चोट लगेगी, आपके हाथ में भी लग सकती है, आपके फ्रैक्चर भी आ सकता है, आपके पैरों में भी लग सकती है, तो वो सब चीजें बताई हैं कि जो हमारे सोल्जर्स हैं जो ग्रेव्स में है वो बहुत वीक हो, एक वहां पे वीक हो गए थे बॉडी से, तो ऑब्वियसली वीक होता है तो इसलिए पेल ब्रोज बोला हुआ है, और जो लेकिन उसके बावजूद भी बहुत बहादुर थे, बहुत करेजियसली लड़े हैं, ठीक है, इंग्लैंड तुम्हारी साइड से, और
वूंडेड हुए। यहाँ ब्रोकन हैंड्स क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ ये दिखाया गया है कि वॉर में किस तरीके से एक सोल्जर वूंडेड होता है, ठीक है। वॉर में आप जाते हो तो चोटें लगती हैं, तो उसको वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ब्रोकन हैंड से, ठीक है। तो जो हमारे सोल्जर्स हैं, जो वो बता रहे हैं ग्रेव्स में जो लेटे हुए हैं, वो ब्रेव हैं, ठीक है, और वूंडेड थे। दे आर स्ट्रून लाइक ब्लॉसम्स मूव्ड ऑन बाय, स्ट्रून लाइक ब्लॉसम, ब्लॉसम क्या होता है, ब्लॉसम बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं। तो जैसे वो बोल रहे हैं कि फ्लावर होते हैं ना, कभी कभी आपने देखा होगा बाय चांस, बाय चांस मतलब कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट की वजह से फ्लावर्स टूट जाते हैं। तो कह रहे हैं जैसे अनफॉर्चुनेट इवेंट की वजह से फ्लावर्स टूटते हैं, ऐसे ही हमारे सोल्जर्स जो हैं वो मारे गए वॉर में। क्योंकि देखो वो इंडिया की लड़ाई नहीं थी, वो लड़ाई इंग्लैंड की थी। अगर इंडिया की खुद लड़ाई होती और इंडिया की लड़ाई डायरेक्ट होती तो एक अलग बात थी, लेकिन इंडिया लड़ रहा था इंग्लैंड के लिए, तो हमारे जो सोल्जर्स मर रहे थे, जिनकी डेथ हो रही थी इंडियन सोल्जर्स की, तो वो एक बहुत अनफॉर्चुनेट डेथ है, क्योंकि हमारी डायरेक्ट लड़ाई नहीं है जर्मनी से, ठीक है। तो वो यहाँ पे बता रही हैं, और फिर ये भी बता रही हैं कि कहीं ना कहीं जो वॉर होता है वो बहुत ज्यादा, यहाँ पे इसको भी बार बार ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं लाइन्स में पोइट, कि जो वॉर होता है बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज है, वॉर बहुत ही खराब चीज है। वॉर में एक इंसान ऐसे ही मर जाता है जैसे एक जो फूल होता है किसी अनफॉर्चुनेट इवेंट की वजह से टूट के गिर जाता है, जैसे एक फूल मरता है ना टूट के, ठीक है। जैसे मान लो एक फूल लगे हुए हैं कहीं गार्डन में, और आपने ऐसे ही उसको तोड़ दिया बस चलते फिरते में, या ऐसे ही कुछ कुछ किसी ने गाड़ी से कुचल दिया, तो फूल क्यों, फूल की डेथ अनफॉर्चुनेट हो रही है। तो वो कह रहे हैं जो वॉर में भी इंसान मरता है ना, वो एक अनफॉर्चुनेट इवेंट है। वॉर अपने आप में कोई अच्छी चीज नहीं होती, वॉर बहुत ही खराब चीज है, मजबूरी की वजह से आदमी को वॉर में जाना पड़ता है, ठीक है। तो एक वॉयलेंट चीज है, उसको हमें बहुत ज्यादा अवॉइड करना चाहिए। तो यहाँ पे वो ये ना वॉर की वॉयलेंस को बहुत ज्यादा वो दिखा रहे हैं कि वॉर कितनी खराब चीज है, उसको भी रिफ्लेक्ट कर रही है पॉइंट, ठीक है। और कहाँ कहाँ पे डेथ हुई है यह बता रहे हैं। ऑन द ब्लड ब्रोज मीडियोज, मतलब क्या होता है मीडियोज, मतलब होता है ग्रास लैंड, बड़े बड़े घास के मैदान होते हैं ना, जैसे घास के मैदान बड़े बड़े ग्रास लैंड, ठीक है। कहाँ पे थे ग्रास लैंड, ये फ्लैंडर्स और फ्रांस में। फ्लैंडर्स क्या है, बेल्जियम, क्या बेल्जियम एक कंट्री है यूरोप में, वही उसी के पास का, उसी का एरिया है ये, ठीक है, उसी में एरिया है। तो बेल्जियम में और फ्रांस में जो बड़े बड़े घास के मैदान थे, वहां पे भी हमारे इंडिया के सोल्जर्स लड़े, वहां पे लड़े, ऑब्वियसली सोल्जर्स लड़े हैं, तो वहां पे उनकी डेथ हुई है। तो वो बता रहे हैं कि वहां पे उनकी बॉडी, वहां पे भी उनकी ग्रेव्स हैं, तो वहां, क्योंकि वहां पे लड़े थे। तो मतलब अल्टीमेटली आप देखोगे इस पूरे पैराग्राफ में पोइट क्या कहना चाह रहा है, पोइट ये कहना चाह रहा है कि इंडिया का जो सोल्जर है वो हर जगह लड़ा है, इंग्लैंड के लिए, इजिप्ट में भी लड़ा है, पर्शिया में भी लड़ा है, ऑटोमन एम्पायर जो एरिया है फ्रांस में भी लड़ा, बेल्जियम में भी लड़ा, तो हर जगह जहाँ पे, जहां जहाँ पे इंग्लैंड लड़ा है वहां पे इंडिया के सोल्जर्स ने उनको हेल्प करी है, उनके साथ कंधे के साथ कंधा मिला के इंडियन सोल्जर्स ने बहुत ही करेजियसली और बहुत ही ब्रेवली फाइट किया है। और ऑब्वियसली जब फाइट किया है तो उन्होंने अपनी लाइफ को भी सेक्रीफाइस किया, क्योंकि फाइट होगी तो ऑब्वियसली दोनों साइड सोल्जर्स की डेथ होती है, वो एक नेचुरल फिनोमेना है उसका, वॉर का। तो वो वहां पे बता रहे हैं, और फिर वो पॉइंट ये भी बता रही है कि वॉर कितनी खराब चीज है, तो यहाँ पे उसको भी रिफ्लेक्ट कर रही है, ठीक है, वॉर से डिस्ट्रक्शन होता है। अब थर्ड पैराग्राफ, कैन यू मेजर द ग्रीफ ऑफ द टीयर्स आई वीप और कंपेयर द वो ऑफ द वॉच आई कीप। वो कह रहा है इंग्लैंड से कि क्या तुम समझ सकते हो, ठीक है, मदर इंडिया के बिहाफ पे लिखी जा रही है ये, एक तरीके से जो मदर इंडिया वो बोल रही है इंग्लैंड को, क्या तुम समझ सकते हो कि कितना मैंने आंसू बहाए हैं, क्यों आंसू बहाए हैं, क्योंकि मेरे सोल्जर्स मरे हैं, मेरे मेरे बच्चे मरे हैं। मदर इंडिया कह रही है मेरे जो इंडियन सोल्जर्स हैं मेरे बच्चे हैं, तो मेरे सन जैसे हैं, मेरे लड़के जैसे हैं। तो एक माँ का लड़का अगर मर जाएगा तो माँ कितना दुख होगा उस माँ को। तो बता रहे हैं इंग्लैंड को बोल रहे हैं कि क्या तुम समझ सकते हो कितना दुख हो रहा है मुझे, मेरे दुख को समझ सकते हो कि मेरे जो बच्चे हैं वो वहां जाके मरे हैं, उनकी डेथ हुई है, सेक्रीफाइस किया उन्होंने लाइफ को, तुम नहीं समझ सकते इंग्लैंड, तुम कभी नहीं समझ पाओगे। और कंपास द वो ऑफ द वॉच आई कीप। अब ये वॉच की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी वॉच चल रहा था, वॉर चल रहा था तो बहुत उम्मीद भी थी कि बहुत सारे सोल्जर्स वापस भी आएंगे, ठीक है, कुछ सोल्जर्स की डेथ हुई है लेकिन बहुत सारे सोल्जर्स हमारे वापस भी आएंगे, तो एक तरीके से वेट कर रहे हैं, ठीक है, मदर इंडिया वेट कर रही है जो सन उसके सोल्जर्स वहां पे वॉर में गए हैं वो वापस आए, ठीक है। वो मतलब होता है दुख, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि कैलकुलेट, क्या तुम कैलकुलेट कर सकते हो उस दुख को जो मेरे अंदर है, और जिस तरीके से मैं वेट कर रही हूँ अपने सन्स का वापस आने का, मेरे बच्चे कैसे मेरे वापस आए, तो कैसे मैं वेट कर रही हूँ, क्या तुम इस दुख को दर्द को समझ सकते हो, ये इंडिया बोल रहा है इंग्लैंड को, ठीक है। और द प्राइड दैट थ्रिल्ड थ्रू माई हार्ट डिस्पेयर्स एंड द होप दैट कम्फर्ट्स द एंग्विश ऑफ प्रेयर। अब वो कह रहे हैं लेकिन एक प्राइड भी है, प्राइड ये है कि हमारे, प्राइड किस चीज की है, कि हमारे कंट्री के सोल्जर्स बहुत ब्रेव हैं, उन्होंने करेजियसली ब्रेवली फाइट किया इंग्लैंड के लिए, तो इसके वजह से हमें प्राइड भी फील होता है, ठीक है, कि ऑब्वियसली आपको प्राइड फील होगा कि हमारी कंट्री के जो इंडिया के सोल्जर्स हैं बहुत एक्सट्रीमली ब्रेव हैं, एक्सट्रीमली करेजियस हैं, ठीक है। किसी फॉरेन लैंड पे जाकर लड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल काम होता है, तो हमारे सोल्जर्स ने इंग्लैंड को बहुत ज्यादा साथ निभाया है। अगर इंग्लैंड वर्ल्ड वॉर 1 जीता है तो उसमें इंडिया का भी बहुत
बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है इंडियन सोल्जर्स का, तो इसलिए वो कह रहे हैं प्राइड फील कर रही है इंडियन सोल्जर्स की ब्रेवरी के ऊपर। एंड होप दैट कम्फर्ट द एंग्विश ऑफ प्रेयर, वो कह रहे हैं एक होप भी है, होप क्या है कि हाँ हमारे इंडियन सोल्जर्स वापस भी आएंगे, ठीक है। एंड द फार साइड ग्लोरियस विजन आई सी ऑन द टॉन रेड बैनर्स ऑफ विक्ट्री, अब वो कह रहे हैं फार साइड ग्लोरियस विजन क्या है, फार साइड ग्लोरियस विजन, ठीक है। ग्लोरियस विजन मतलब इनका ये है कि इंग्लैंड जीत जाएगा, ठीक है, इंग्लैंड की जीत हो जाएगी, लेकिन वो जो ग्लोरियस विजन तो है, ग्लोरियस विजन क्या मतलब विक्ट्री का, ठीक है, कि इंग्लैंड जीत जाएगा, ठीक है। तो ये एक ग्लोरियस विजन है, ग्लोरी वाली फीलिंग आती है कि हम वॉर जीत गए, लेकिन ये सैड भी है। सैड क्यों है ये, सैड इसलिए क्योंकि डिस्ट्रक्शन भी तो बहुत कॉज हुआ, सोल्जर्स भी तो बहुत मरे, ह्यूमन लाइफ को कितना लॉस हुआ, आप जीत गए, ग्लोरियस विक्ट्री मिल गई आपको, बहुत जीत गया है, ठीक है, ये एक विक्ट्री से खुशी मिलती है, लेकिन साथ ही साथ ये भी देखो सैडनेस भी आ रही है क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने अपनी जो लाइफ है वो सेक्रीफाइस की है, इंडियन सोल्जर्स ने और भी बहुत सारे इंसानों ने, कितनी ह्यूमन लाइफ का डिस्ट्रक्शन हुआ है, तो ये इसलिए ये सैड चीज है, ठीक है। ऑफ द टॉन रेड बैनर्स ऑफ विक्ट्री, ठीक है, रेड बैनर क्यों बोला गया, क्योंकि ब्लड, ठीक है, विक्ट्री मिली है लेकिन हमें टॉन, ठीक है, टॉन मतलब क्या होता है, खराब स्टेट में, खराब स्टेट में मिली है, ठीक है। रेड रेड क्यों बोला गया, क्योंकि ब्लड ब्लड निकला है, ठीक है, ये विक्ट्री हमें जो मिली है ये ब्लड की, उसके बदले में हमें क्या देना पड़ा, हमें ब्लड देना पड़ा, क्योंकि हमने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करी है ना, हमारे जो इंडियन सन्स हैं, ठीक है, मदर इंडिया के जो बच्चे हैं, इंडियन सोल्जर्स क्या हुआ, इंडियन सोल्जर्स क्या हुए मदर इंडिया के लिए, मदर इंडिया के लिए तो बच्चे ही हुए ना, मदर इंडिया के लिए तो सन ही हुए, जैसे एक माँ के लिए एक बच्चा होता है लड़का उसका सन, ठीक है, तो ऐसे ही सेम जो मदर इंडिया के लिए इंडियन सोल्जर्स हैं सन की तरह, ठीक है। तो अब जब उनका उनकी लाइफ का लॉस हुआ है, डिस्ट्रक्शन हुआ है, उनका इतना खून बहा है, ठीक है, तो इस विक्ट्री भले ही मिल गई इंग्लैंड को, लेकिन क्या हुआ, ब्लड भी तो गया है और हमारा इंडियन सोल्जर्स का ब्लड गया था, ठीक है, तो उसको मेंशन कर रही है। फिर फाइनल जो पैराग्राफ है, व्हेन द टेरर एंड द ट्यूमल्ट ऑफ द हेट शैल कीज, वो कह रहे हैं कि अब जब ये टेरर खत्म हो जाएगा, ये जो लड़ाई है वो भाई लड़ाई कभी खत्म भी तो होगी, तो वो एक होप कर रही है, अभी जब ये पोएम लिखी गई थी उस टाइम लड़ाई चल रही थी, तो इसलिए होप कर रही है कि आगे जाके जब लड़ाई खत्म होगी, एक टाइम जरूर ऐसा आएगा, ये हेट्रेड डिस्ट्रक्शन वॉर सब खत्म होगा, एंड लाइफ बी रिफैशनड ऑन एनविल्स ऑफ पीस, अब एक टाइम जब ऐसा आएगा जब नॉर्मल लाइफ हो जाएगी, ठीक है, जैसे नॉर्मल लाइफ चलती है बिना वॉर के पीसफुल, जब वो लाइफ आएगी, एनविल्स ऑफ पीस का मतलब वही है, ठीक है, एनविल्स ऑफ पीस का मतलब ये है कि जो वॉर वाला टाइम है वो खत्म हो जाएगा और जो नॉर्मल लाइफ है पीस वाली जब वो आएगी, ठीक है। एंड योर लव शेल ऑफर मेमोरियल थैंक्स टू द कॉमरेड्स हू फॉट इन योर डॉन्टलेस रैंक, और वो कह रहे हैं, ऑथर कह रहे हैं कि जब पीसफुल टाइम पीरियड आएगा, जब वॉर खत्म हो जाएगा, और जब तुम अपने इंग्लैंड के सोल्जर्स को एक रिस्पेक्ट दोगे ना, भाई हर कंट्री वॉर के बाद जो भी उस कंट्री के सोल्जर्स की डेथ होती है, जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया, जिनको मार्टरडम मिला, ठीक है, मार्टरडम मतलब होता है एक तरीके से अपनी, इसको मैं कैसे समझाऊं आपको, अपनी लाइफ को किसी बहुत बड़े कॉज के लिए एक सेक्रीफाइस करना, शहीदी, ठीक है, इसको शहीद बोलते हैं, ठीक है। तो हर एक वॉर के बाद एक कंट्री जो शहीद होते हैं उनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देती है, होमेज देती है, और बहुत ज्यादा एक एक तरीके से उनको उनके सेक्रीफाइस को याद किया जाता है, ठीक है। तो वो कह रही है यहाँ पे ऑथर कि जब इंग्लैंड जीत जाएगा ना, जब नॉर्मल टाइम पीरियड आएगा, वॉर खत्म हो जाएगा, इंग्लैंड जीत जाएगा, जब पीसफुल टाइम पीरियड आएगा, तो ऑब्वियसली इंग्लैंड अपने इंग्लैंड के सोल्जर्स को बहुत रिस्पेक्ट देगा, ठीक है, जो शहीद हुए थे उनके सोल्जर्स, उनको रिस्पेक्ट मिलेगी, लव मिलेगा और होमेज मिलेगा। तो कह रहे हैं ऑथर कह रहे हैं इंडियन सोल्जर्स को मत भूल जाना उस टाइम, तुम यही नहीं कि खाली इंग्लैंड के सोल्जर्स को रिस्पेक्ट देना, लव देना, हमारे इंडियन सोल्जर्स को मत भूलना, हमारे इंडियन सोल्जर्स ने भी अपनी जान गंवाई है, वो भी तुम्हारे इंग्लैंड के सोल्जर्स के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़े हैं, तो उनको भी उतनी रिस्पेक्ट देना, उनको भी उतना प्यार देना, उनको भी उतनी होमेज देना, भूल मत जाना इंडिया के सोल्जर्स को, वो यहाँ पे याद दिला रही है पोएट इन लाइंस में। एंड यू ऑनर द डीड्स ऑफ द डेथलेस वंस, रिमेंबर द ब्लड ऑफ दाय मार्टर्ड सन्स, वो कह रहे हैं कि वही वही चीज मैंने आपको बताया, तो अपने जो तुम्हारे इंग्लैंड के सोल्जर्स मरे हैं उन्हें जब तुम याद करोगे ना वॉर जीतने के बाद, तो हमारे इंडिया के सोल्जर्स को भी याद रखना, क्योंकि हमारे जो सन, जो इंडिया के जो सन हैं, इंडिया के जो सोल्जर्स हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ को शहीद किया है, जिन्होंने सेक्रीफाइस किया, तुम्हारे साथ लड़े कंधे से कंधा मिला के, तुम्हारा पूरा साथ दिया, ठीक है, तो हमें हमारे इंडियन सोल्जर्स को मत भूलना, हमें भी रिस्पेक्ट देना, हमें भी होमेज देना और हमें भी प्यार देना, ठीक है। तो इसी के साथ गाइज ये यहाँ पे पोएम खत्म होती है, पोएम कैसी लगी है
मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अच्छी लगी तो उसके साथ सबके साथ शेयर जरूर करिएगा गाइस, और काइंडली इस वीडियो को लाइक करिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।